आम समाज की सरकारी जगह व सरकारी नाले पर दबंगों का कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। जनपद रामपुर तहसील मिलक के रामपुर रोड पर हरियाली बाजार के सामने एक सरकारी नाला है। नाले के आगे ग्राम समाज की सरकारी जगह है। इस पर करण बढ़ई नाम का दबंग व्यक्ति एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पीड़ित से पूछने पर पता चला, नाले के पीछे मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है, जिसके आगे नाला व सरकारी ग्राम समाज की जगह पर करण बढ़ई नाम के दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। और पीड़ित ने यह भी बताया कि करण बढ़ई ने 400 बीसी से वह नाला अपने नाम करवा लिया है। नाले के आगे ग्राम समाज के सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, जो इसके नाम नहीं है। पीड़ित ने बताया, मुझे मेरे प्लॉट के आगे किसी भी प्रकार की कोई जगह निकलने को नहीं दी जा रही है और मेरे प्लॉट के आगे संपूर्ण तरीके से यह दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति कब्जा करे हुए और मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। पीड़ित का कहना है कि मेरे साथ में न्याय हो और इस दबंग व्यक्ति से सरकारी जमीन व सरकारी नाले का कब्जा मुक्त किया जाए। रामपुर से रामनाथ गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शादाब है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं खाते नगरिया रहता हूँ सर। क्या मामला है सर? ये मामला ये है कि हरियाली बाजार के सामने नाल हमारा प्लॉट पड़ा है, उसके आगे नाला है, नाले के आगे ग्राम समाज है, फिर उसके बाद रोड की जगह आ गई। जी सर, ऐसा है, करण बढ़ाई है, ये देखिए हम ये कब्जा कर रहा है, नाला पाट रहा है और उसकी जो है ग्राम समाज की क्या नाम है जगह जो है क्या नाम है वो कब्जाना चाह रहा है। वो देखिए एसओ साहब को हम सन 2019 से 18 से हम दे रहे हैं सब विज्ञापन, इतने कागज है, जाके रुकवा देते हैं। ये नाला सरकारी क्यों बन गया? ये जो है क्या नाम है ये ग्राम समाज की जगह क्यों पार्टी जा रही है? सर ये 60 साल पुराना देख सकते हैं आप नाला, 12 नंबर पे है, ये 60 साल पुराना नाला निकला है, इस पर इनका नाम चढ़ा हुआ है, खसरे में नाम है इनका, खतौनी में नाम नहीं, करण बढ़ई का कब्जा कर रहा है और सर ये दबंगई दिखा रहा है, यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है इनका, ज़बरदस्ती कब्जा करा हमने, देखी इतने कागज दे दी। यो साहब अभी एडीएम साहब को भी दिया था, वो भी कह रहे थे हम मट्टी कल को रुकवाएंगे, जो उनकी तबीयत खराब है वो आ गए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक सरकारी नाले पर जी करण जो बढ़ई है जी वो कब्जा कर रहा है? जी जी। इसकी शिकायत आपने ईओ साहब से की? ईओ साहब से की, ईओ साहब बोले हम रुकवा देंगे ये वो, फिर आगे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले भी ये इस नाले पे कब्जा कर चुका था? कलवर चुका था, ईओ साहब ने पीले रंग का बोर्ड लगवाया था यहाँ पे ग्राम सभा की जगह, यहाँ पे चिन्हित की गई थी, देखिए आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास कागज में, ये नगर पालिका द्वारा चिन्हित की गई थी जगह, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये चिन्हित की गई थी नगर पालिका द्वारा, ये देख सकते हैं, और इसमें यहाँ पे बोर्ड पीले रंग का लगाया था, बोर्ड भी लोग उखेड़ के लेगा यहाँ पे, कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा सर, ये दबंग किसी के जान से मारने की धमकी देता, करण बढ़ई लड़कों को लेकर आता है यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर नाप लें, हम ये चाहते हैं कि रोड से 30 मीटर दूरी पहले तो सरकारी जगह नापी जाए, फिर नाला नापा जाए, इसकी हो तो इन्हें दे दी जाए, बहरहाल ये नाल इस कोने से और पूरे कोने तक इनके नाला नाम आएगा, 420 से इन्होंने नाम करा रखा, ये हमें 1995 से परेशान करे, 1995 भी नाले पे नाप चढ़वाया था। ईओ साहब क्या क्या बोले आप? ईओ साहब ये बोले कि क्या नाम है करा देंगे काम, रुक जाओ नाला रुकवा देंगे, कल भी गए थे, इसकी शिकायत की आपने? हाँ कई बार कही, लिखित रूप में दी है? लिखित रूप में दी, ये देखिए कागज में लिखी लिखित रूप में, आप देख सकते हैं इतने कागज हैं और सारे हमारे पास दरखास्त रखी हुई है। तो ईओ साहब ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की है, उससे कह रहे थे वो आप फैसला कर लो उससे बैठ के करण से, ये कह रहे हैं वो, तो मतलब ईओ साहब ये कह रहे हैं फैसला सरकारी नाले पे फैसला कर लो, फैसला कर लो। हाँ जी सर, ठीक है भाई।